Question, we have to investigate whether definition of star fulfill the criteria of binary operation or not. ठीक है, binary operation मतलब function, और function का मतलब क्या होता है, उसकी कुछ अपनी domain होती है. फिर यहाँ पे क्या domain होगी, star की क्या domain होगी, आपके पास जो z plus cross z plus, that means z plus का cartesian product के सारे element क्या हो जाएंगे, domain के element होंगे. और कोडोमेन क्या होगा, जैसे यहाँ पे बी है सेट, तो यहाँ पे जो कोडोमेन हो जाएगा वो जेड प्लस हो जाएगा. अब फंक्शन ये देखना है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो स्टार की डेफिनेशन है. इसका मतलब क्या हुआ कि ईच एलिमेंट ऑफ जो भी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट दिए गए हैं, सारे के इमेज होने चाहिए आपके कहाँ पे, जेड प्लस में इमेज होना चाहिए. तो सबको इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग, ठीक है. तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इसमें आपका साफ साफ ये ऑर्डर पेयर दिख रहा है कि 2, 1 है, ठीक है. और 2, 1 और डेफिनेशन क्या कहता है, पहले पार्ट के लिए कि 2 - 1 होगा, तो इसकी इमेज है. लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1, 2 ये किसका मेंबर है, दैट इज मेंबर ऑफ जेड प्लस. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ए कॉमा बी, अगर दो एलिमेंट हम उठाते हैं ए कॉमा बी जो जेड प्लस के मेंबर हैं, तो आपके पास ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर होगा वो किसका मेंबर होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर होगा. इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 1, 2 किसका मेंबर है, जेड प्लस का मेंबर है. इंप्लाइज जो 1, 2 हो जाएगा ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर मेंबर हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का. इसका मतलब कि ये एक डोमेन का पार्ट है. और इसके इमेज की बात करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्टार, तो डेफिनेशन ऑफ स्टार क्या है, ए स्टार बी या 1 * 2 दैट इज इक्वल टू 1 - 2, और ये क्या आएगा आपका -1 आएगा. लेकिन -1 आपका जेड प्लस का मेंबर नहीं है. इसका मतलब कि जो 1, 2 है डोमेन का इकलौता एक, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अपना कोई इमेज नहीं है. इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है. हम कहेंगे फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है. अब हम लोग सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. ये सब बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन हमें इन्हें जस्टिफाई कैसे करना है. एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए एटलीस्ट एक एग्जांपल की नेसेसिटी होती है. कोई एक एग्जांपल के थ्रू आप क्या करते हो, रूल्ड आउट कर देते हो. लेकिन कोई है बाइनरी ऑपरेशन है, ये चीज़ बोलना बड़ा मतलब आपके लिए टेक्निकल होता है कि आप कैसे बोलते हो इन चीज़ों को, लिखते कैसे हो, एक्सप्रेस कैसे करते हो. तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होता है, नहीं होना बड़ा आसान है एलिमिनेट करना कोई एक एग्जांपल के थ्रू. खैर चलिए देखते हैं हम लोग इसे क्या, इसे कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है. तो हम लोग क्या कहेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट दीज आर द टू एलिमेंट एक्स कॉमा वाई आर द मेंबर ऑफ जेड प्लस, ठीक है. ये जेड प्लस के मेंबर हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कॉमा वाई ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर होगा. और अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर है इसका मतलब ये डोमेन का मेंबर है, ठीक है. ये एक डोमेन का एलिमेंट होगा. तो इसके इमेज की बात करते हैं, तो इमेज डेफिनेशन से आएगी, ठीक है. जो स्टार की डेफिनेशन दी गई है इसमें, तो एक्स स्टार वाई क्या दिया गया आपको डेफिनेशन में, एक्स स्टार वाई आपका एक्स इंटू वाई है, ठीक है. डेफिनेशन ए स्टार बी आपको क्या दिया गया था, डेफिनेशन ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी. तो फर्स्ट एलिमेंट ए था, यहाँ एक्स है. सेकेंड एलिमेंट क्या है आपका, बी है, यहाँ वाई है. तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई. अब देखिए दो इंटीजर नॉन निगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो भी जाहिर सी बात है क्या होगा, आप कंपोजिशन टेबल में देख सकते हैं कि वो भी सारे कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट्स आपके क्या हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स. इसका मतलब कि दैट इज द मेंबर ऑफ जेड प्लस फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई विच आर द मेंबर ऑफ जेड प्लस. इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक्स वाई का इमेज है और वो यूनिक है. इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. तो यहां पे भी स्टार क्या है, यहां पे लिख देंगे स्टार, दैट इंप्लाई स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है. ये बाइनरी ऑपरेशन है,
अब इसी तरह से हम यहां जस्टिफाई करते हैं, यहां सेट ऑफ रियल नंबर दिया गया है और डेफिनेशन क्या दिया गया है आपका ए स्टार बी का, ए स्टार बी ऑपरेशनल जो डेफिनेशन दिया गया है वो ए बी स्क्वायर है। तो चलिए यहां भी स्टार्ट करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, ये दिखाने का तरीका है आपको, ठीक है। आप लिखते कैसे हो, बाकी आप कंपोजिशन टेबल से आप देख सकते हो, अपने आप को तसल्ली दे सकते हो, ठीक है। खैर, लेट एक्स कॉमा वाई इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर, मतलब एक्स और वाई दोनों रियल नंबर हैं। इसका मतलब कि जो ऑपरेशनल वैल्यू आएगी, मतलब एक्स स्टार वाई आएगा, अच्छा एक्स वाई अगर रियल नंबर के मेंबर हैं तो ये जो ऑर्डर पेयर होगा एक्स कॉमा वाई वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर होगा, आर क्रॉस आर का। इसका मतलब क्या हुआ, ये डोमेन का मेंबर होगा, ये डोमेन का मेंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब जो ऑपरेशनल वैल्यू आएगी या इसके इमेज की बात करें, एक्स स्टार वाई एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स वाई स्क्वायर ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और रियल नंबर हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये क्लास 6-7 में पढ़ते हैं आप, तो वो चीज़ फ्रिक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेंबर ऑफ रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई विच इज मेंबर ऑफ द रियल नंबर या बिलोंग्स टू द रियल नंबर, दैट इंप्लाई स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यही चीज लिख दोगे यहाँ पे, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, यहाँ छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, हम लोग पहले वाले पार्ट के लिए क्या किए थे। पहले वाले पार्ट के लिए आपके पास जो कंपोजिशन टेबल आप देख रहे होंगे, कंपोजिशन टेबल में यहाँ पे जो निगेटिव इंटीजर प्रोड्यूस हो रहा था उसकी वजह से आप कह रहे थे ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेशन को रीमॉडिफाई कर दिया गया है यहाँ पे और एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, तो जो निगेटिव है उसकी देखिए मॉडिफाइड कंपोजिशन टेबल क्या दिख रही है, वो पॉजिटिव हो चुका है। इसका मतलब अब जो ऑपरेशनल टेबल या कंपोजिशन टेबल में सारे एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या हो गए हैं, जेड प्लस के मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो निगेटिव आपके इंटीजर की वजह से क्या था, बाइनरी नहीं था, वो अब एब्सोल्यूट वैल्यू उसका पॉजिटिव हो चुका है, मतलब यहाँ पे आप कह दोगे कि ये क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन है, और सारे आर्गुमेंट वहाँ से दोगे, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं हम आपके लिए, से लेट एक्स स्टार वाई एक्स कॉमा वाई आर मेंबर ऑफ जेड प्लस इम्प्लाइज एक्स स्टार वाई, ठीक है, या एक्स कॉमा वाई क्या होगा, दैट इज अ मेंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब दैट इज द वैल्यू, एक एलिमेंट हो गया, जनरल एलिमेंट हो गया जो आपका डोमेन का पार्ट होगा, और इसके इमेज की बात करें तो x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, और दो रियल नंबर के डिफरेंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो नॉन निगेटिव होगा, या तो वो जीरो होगा, जीरो कब होगा, जब x और y बराबर हो जाए, जैसे 1-1 हो जाए, 2-2 हो जाए, 3-3 हो जाए, तो 3-3 4-4 जीरो हो जाएगा, अदरवाइज ये या तो x माइनस वाई पॉजिटिव आएगा, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर निगेटिव आता है तब भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। हर हाल में ये किसका मेंबर होगा, जेड प्लस का मेंबर होगा, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई विच इज द मेंबर ऑफ जेड प्लस, दैट मीन्स स्टार इज क्या लिख देंगे, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। अब बात इसकी करते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको जेड प्लस से जेड प्लस में बात करनी है, ठीक है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, खैर जेड प्लस से जेड प्लस में बात करनी है, डेफिनेशन दिया गया है स्टार का, तो हम लोग कह लेते हैं x लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पे आपका जेड प्लस में, इम्प्लाइज जो ये ऑर्डर पेयर होगा ये मेंबर होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड प्लस और जेड प्लस का, मतलब ये एलिमेंट डोमेन का एक एलिमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी ऑपरेशनल वैल्यू आएगी x स्टार y, ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x तो पहले ही आपने z में लिया है तो ये हमेशा z में होगा, z प्लस में होगा सॉरी, तो इसका मतलब कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन मजे की बात है, क्या आप इस क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि आपका जो x है x स्टार y x आ रहा है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि y आइडेंटिटी एलिमेंट है, सोचिएगा, ठीक है, और नीचे कमेंट करिएगा, फिर इसका आंसर हम आपको दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जेड प्लस क्या है, पूरी कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पहले पार्ट से लेके फिफ्थ पार्ट तक हमने कह दिया, लेकिन जेड प्लस आपकी बुक में एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है कि जेड प्लस क्या है, ठीक है,
जबकि मोस्ट ऑफ टीचर्स कभी कभी इसको ऑपरेट कर देते हैं कि जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, जो गलत है। अगर जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर का सेट होता तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, जबकि ये क्या है, आंसर दिया गया आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, देख लीजिए, अगर जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता तो ये 2 और 2 हो जाता, तो 2 माइनस 2 0, और 0 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को करेक्ट करिएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, आप अपने आप को रिकरेक्ट कर लीजिए कि जेड प्लस जो है सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर है, या यूं कह लीजिए होल नंबर का सेट है। ठीक है, तो ये सारा आपका आंसर हो गया।